लोगों को बताएं कि हमारे भी वंश माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हर समाज के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है, एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए काफ़ी सारी दावेदारी की थी और कई सारी पार्टियों से आपके पास ऑफर आए, कई बड़ी पार्टियों से, लेकिन और किसी पार्टी को नहीं चुना, इसका क्या मुख्य कारण? मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हम औरैया आए हुए हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन शुभम पाल जी से मिलने हैं। आज हम औरैया आए हुए हैं। आज जिस शख्स से मुलाकात होने वाली है, शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो उन्हें जानता ना हो। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो रैली रही वो एक बहुत भव्य रैली रही और औरैया में इस तरह की रैली पहली बार हुई, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आज भव्य, इसे रैली नहीं बोलेंगे, एक इसे जल सैलाब बोलेंगे, बिल्कुल, जो औरैया की नगर में पहली बार ऐसा जल सैलाब देखने के लिए मिला है। लोगों के अंदर उत्साह था, जोश था अपनी देवी के बारे में जानने का, और जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य करे हैं उसे हम लोगों को बताएं कि हमारे भी वंश माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हर समाज के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है, एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया। तो सर, इसके लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया होगा, इतनी बड़ी रैली इतने मतलब आसानी से कैसे संभव है? देखिए, यह आप लोगों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद था और सभी लोगों ने मेहनत करी, सभी लोगों ने संघर्ष किया इस रैली को सफल बनाने के लिए। और वाकई में आज देख के बहुत खुशी हुई कि आज समाज की जो हर समाज के युवा भी इसमें सम्मिलित हुए थे। लेकिन एक संदेश दूंगा मैं हर समाज के लोगों को कि हम मिलकर ऐसी जो भी जयंती आए, हम ये सब को मिलकर एक दूसरे का सम्मान के साथ, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के हमें मनाना चाहिए। तो युवा आपका जो है इतना बड़ा फैन है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड की तरह चल रहे हैं आप, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं एक युवा हूँ और युवा सोच एक दूसरे के साथ चलती है, और जब युवा एक दूसरे का हाथ पकड़ता है और जोश के साथ जब चलता है तो एक जल सैलाब आता है। तो आज वो जल सैलाब दिखा। और रहे उत्तर प्रदेश की बात और युवाओं की बात, मैं चाहता हूँ हमारा युवा आगे बढ़े, शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो खेल कूद को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा हमारे गांव का भविष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा गांव युवा से जुड़ा हुआ है। और जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा, युवा मजबूत नहीं होगा, तो हमारा देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। ये संकल्प लेकर मैं अपने युवाओं के बीच में जाता हूँ, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सर, इससे पहले जो है आपका ये एक चुनाव हुआ था, तो उसमें इतना संघर्ष आपने किया लेकिन उसके बाद भी असफलताओं का सामना अगर करना पड़ा, तो क्या कारण रहे, क्या लग रहा है? देखिए, जीवन में कोशिश करिए, कभी भी रिजल्ट के पीछे मत भागिए। मैं जब यहाँ पर आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा जलसा, मैं अकेला व्यक्ति आया था, मैं किसी को औरैया में नहीं जानता था, और मेरे साथ दो तीन लोग आए मुझसे मिलने, फिर दो तीन लोग आए और आज आपको दिखा होगा। तो ये मेहनत है, ये कोशिश है, और कोशिश तब तक रहेगी जब तक जान रहेगी। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ अलग अलग स्टाइल की और इतना सारा सिस्टम। देखिए, ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो अपने काम को लेकर हम लोग मेहनत करते हैं। देखिए, जो मेहनत करता है उसके पीछे, आप ये मान लीजिए आप मेहनत करेंगे, जो आप मुकाम सोचेंगे पाने के लिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो शौक भी है कारों का, और युवा हूँ, आप सभी लोगों को शौक होता है कि बाइक हो, कार हो, हर किसी को शौक है। आप लोगों का प्यार है, सब लोगों का आशीर्वाद है, तो आप लोगों के प्यार से सब कुछ हो जाता है। सर, एक सवाल और है कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए काफ़ी सारी दावेदारी की थी और कई सारी पार्टियों से आपके पास ऑफर आए, कई बड़ी पार्टियों से, लेकिन और किसी पार्टी को नहीं चुना, इसका क्या मुख्य कारण रहा? देखिए, जो जमीनी स्तर में आप कार्य देख रहे हैं, चाहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर से गरीबों के लिए काम किया। आज से नहीं बोलूँगा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए योजनाएं निकाली, माताओं के लिए योजना निकाली, युवाओं के लिए योजना निकाली, और जो आज राशन लोगों के बीच में पहुंच रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन थी, जो आज यहाँ तक हम लोग गरीब लोग तक राशन पहुंचा रहे हैं। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देखिए किसी भी जाति विषय से नहीं रखती, उसके लिए हर समाज एक बराबर है और वो हर व्यक्ति का सम्मान करती है, हर व्यक्ति को आगे लेके चलती है।
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, उनका कुछ नहीं पता कब किसको ताज पहना दे, कब किसको क्या कर दे, तो वो गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे लेके जाने का काम करती है, किसानों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है, गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ही मैंने टैबलेट और फोन्स वगैरह बांटे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जब से कोरोना महामारी बीमारी आई थी तो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, और किसी के पास फ़ोन थे किसी के पास नहीं थे, तो ऐसे सरकार ने देखते हुए सभी बच्चों को युवाओं को फ़ोन देने का काम किया ताकि उनकी शिक्षा कभी ख़राब ना हो पाए किसी भी कारण। तो इतना सारा आप काम कर रहे हैं और बहुत संघर्ष किया, और लोग कहते हैं कि राजनीति में जो है सच्चे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए संघर्ष अभी शुरुआत हुई है और राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते, आप मुझे जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है। देखिए गद्दी मिले ना मिले, आपको प्यार मिल रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो मुझे प्यार मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, और लोग आशीर्वाद मिल रहा है, इसी प्यार के मैं आगे लेकर जाऊंगा, और उसी प्यार से एक ना एक दिन ऐसा मुकाम भी मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मैं मैंने बताया ना, मैं राजनीति में इसलिए आया हूं ताकि मैं युवाओं के लिए कुछ कर सकूं, अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूं, अपने बड़े बुजुर्ग माताओं और पिता तो लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ताकि हम लोगों के जो गरीब वर्ग है जो तत्व में गाँव में है उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम जो घटनाएं होती है उनके बीच में, किसी के पिता नहीं हो पाते, किसी के माता ही नहीं है, और वो अपनी शिक्षा में ध्यान नहीं दे पाते, उनके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार की वजह से शिक्षा नहीं हो पाती, ये गरीब परिवार है, तो ऐसा कुछ करना चाहता हूँ राजनीति में आकर कि हर गरीब बच्चा शिक्षा ले सके। तो सर आगे जो है राजनीतिक प्लान क्या है? देखिए अभी ये समय नहीं है बोलने का, आने वाला समय देखते जाइए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मैं आने वाले समय के नहीं सोचता हूँ, मैं सब ईमानदारी से बताऊँ, मैं आज पर निर्भर रखता हूँ कि मैं आज अच्छा करूँगा तो कल मेरे साथ अच्छा होगा, और मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल किसी ने नहीं देखा तो मैं कल के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इस तरह से जो है शुभम पाल भैया ने आप सभी लोगों को बताया कि विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।